इससे होती है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन करना और एक्सपेंसिव भी होता है, उनके लिए बहुत दिक्कत भी होती है, और उनकी वजह से असिम्टोमेटिक होने की वजह से सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बेड नहीं मिलता, तो वो दिक्कत ना आए इसके लिए टारगेट रख के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए भी पहला प्लान किया हुआ है। साथ साथ जैसे जैसे ये काम हमारा प्रोग्रेस, हमने तो पहले शुरुआत की है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट आ रही है तो अभी इंशाल्लाह आगे ये बढ़ के मुझे उम्मीद है कि आईसीयू का भी रूप लेगा। अभी शुरू में हम ऑक्सीजन सप्लाई के साथ आइसोलेशन सेंटर का भी प्लान कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो उसके साथ जैसे आज ही व्हाट्सएप और हमारे कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम उसको फुल फ्लेज एक आईसीयू सेटअप बनाएंगे ताकि यहाँ के मैक्सिमम तकरीबन 50% बेड हम आईसीयू अरेंजमेंट से करेंगे कि भाई कोई भी पेशेंट जो कोविड का सफर हो रहा है उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, अभी अभी आपने ये भी कहा कि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए खास कर ये जो बनाया है ये कोविड सेंटर बनाया गया है, तो ऐसे कौन किस किस्म की चार्जेस यहाँ पे देंगे? नहीं, अभी चार्जेस के बारे में पहले तो ये प्लान हो रहा था कि भाई ये पब्लिक गवर्नमेंट इस पे होगा, लेकिन उसको बाद व्हाट्सएप के सजेशन से और उनके मेहनत से और उनके गाइडेंस से ये सब अभी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने का टाइप आया है, और यहाँ पे अभी कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे, अभी फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को आपने यहाँ पर अलाउ किया हुआ है, जो भी आपकी सुविधा है यहाँ पर, आगे चल करके आईसीयू की सुविधा है, वेंटिलेटर पेशेंट का वेंटिलेटर की सुविधा है, क्या होगी या उनको धोखी? नहीं, वेंटिलेटर की सुविधा के बारे में अभी अभी ये इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इनिशियल स्टेज के पेशेंट्स रहते हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है और छोटा एक आईसीयू सेटअप रहता है जहाँ पे उनको मैनेज कर सकते हैं, वो टाइप का सेटअप जरूर रहेगा। जो क्रिटिकल केसेस होंगे उसको डेफिनेटली बड़ा फुल फ्लेज आईसीयू सेटअप लगता है, तो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाए, उसको यहाँ मैनेज नहीं कर सकते। अभी जिस हिसाब से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आगे का रोड मैप डॉक्टर एसोसिएशन आपका क्या है? आगे का रोड मैप, हम तो जिस दिन से कोविड शुरू हुआ उसी दिन से इस लाइन से काम कर रहे हैं, हमारे सभी डॉक्टर्स, इवन दो बाकी इस एरिया के एसोसिएशन ने उनके क्लिनिक्स को 3-4 दिन हफ्ता भर बंद करने का डिक्लेयर किया, लेकिन बुमरा एसोसिएशन ही ऐसी थी जिन्होंने एब्सोल्युटली उसको रिजेक्ट किया और लोगों को सर्विस देने का डिसीजन लिया, उस दिन से लेकर आज तक सभी डॉक्टर्स सर्विस दे रहे हैं, सभी डॉक्टर्स क्लिनिक में बैठ रहे हैं, अपनी जांच पे खेल कर वो आज पेशेंट को देख रहे हैं, इसकी वजह से कई हमारे 5-6 डॉक्टर्स आज भी कोविड को में सफर हुए और आज हॉस्पिटलाइज है, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डॉक्टर हॉस्पिटल पे अल्लाह ने शिफा दी और वो घर पे आ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी क्वारंटाइन है, तो डॉक्टर्स पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से कि लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सीएम दे, ताकि अगर ये वॉरियर रहेंगे तो आगे का काम, क्योंकि आगे की जंग और बड़ी है, ये तो हम टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं, ये शुरुआत है, इसके आगे जो होना है अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिसको भी ऐसे सिम्टम्स आए डॉक्टर के पास जाए, अपने आपको टेस्ट करने की जरूरत है तो टेस्ट कराएं, और डॉक्टर्स के सजेशन के हिसाब से जो भी एडवाइस करें उस पर अमल करें, तो यही एक तरीका है जिससे हम उसको रोक उसकी रोकथाम कर सकते हैं। आईसीयू हॉस्पिटल्स के जो बंद है और जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे किसी वजह से, ऐसे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स आपका क्या संदेश? मैंने कल ही हमारा डिस्कशन हुआ, ऐसा बहुत सारे हॉस्पिटल्स के जो मसले आ रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के गाइडलाइन की वजह से, जैसे अगर पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं और पॉजिटिव कोविड निकल रहा है तो उसको सील करना पड़ रहा है या उनका इसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए रूम बंद करना पड़ रहा है, ये मेजर वजह है हॉस्पिटल्स के आईसीयू नए काम करने की। अभी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के बगैर अगर वो करते हैं तो अगर एक पेशेंट आईसीयू में 4 पेशेंट्स हैं नॉन कोविड के, एक पेशेंट अगर कोविड का उसमें आता है, ठीक है, और उसकी वजह से बाकी जो पेशेंट सफर हो सकते हैं और कोविड हो सकते हैं जो कि कोविड नहीं है, जिनको कोरोना बीमारी नहीं है, ये महत्व इस वजह से हॉस्पिटल्स वाले थोड़ा रिलेक्टेंट है कि भाई ये पेशेंट्स की गारंटी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या हम हॉस्पिटल वाले ये समझ रहे कि इस तरह से हम जिम्मेदार होंगे कि उनको कोरोना फैला नहीं, इसलिए पेशेंट्स नॉन कोविड पेशेंट्स को एडमिट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स कोविड के सिम्टम्स के साथ हैं हॉस्पिटल में होना चाहते हैं कि उसका टेस्ट हो जाए, टेस्ट रहे ताकि हम बाकी जो पेशेंट की हम पे जिम्मेदारी है कि भाई उनको हम कोविड या कोरोना बीमारी से बचा सके, वो जिम्मेदारी से हम भरी रहे और वो बाकी पेशेंट सेफ रहे,
ये वजह की वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, इसीलिए अभी नॉन कोविड के और आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने का, ये सेंटर भी इसीलिए बना कि भाई जो हॉस्पिटल्स में नॉन कोविड वाले पेशेंट के साथ कोविड वाले पेशेंट जा रहे हैं और नॉन कोविड नॉन कोरोना पेशेंट को भी कोरोना होने का चांस है वो ना हो, इसके लिए ये आइडिया आई कि भाई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स या जो कोविड के हैं और असिम्प्टोमेटिक है उनको कम करीब आइसोलेशन में सेपरेट जगह रखे तो सबके लिए आसानी होगी। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।